नाजरीन, नाजरीन पिछली पिछली बार बार मैंने मैंने आप आप सभी सभी को को रात रात को को सोने सोने से से पहले पहले कौन कौन सी सी दुआ दुआ पढ़नी पढ़नी चाहिए चाहिए इसके इसके बारे बारे में में बताया बताया था। था। और और आज आज मैं मैं आप आप सभी सभी को को सुबह सुबह को को सोकर सोकर उठने उठने के के बाद बाद जो जो दुआ दुआ पढ़ी पढ़ी जाती जाती है है उसके उसके बारे बारे में में बताऊंगा। बताऊंगा। नाजरीन, नाजरीन, सोने सोने से से पहले पहले भी भी दुआ दुआ पढ़ी पढ़ी जाती जाती है है और और सोकर सोकर उठने उठने के के बाद बाद भी भी दुआ दुआ पढ़ी पढ़ी जाती जाती है। है। तो तो आज आज मैं मैं आप आप सभी सभी को को सोकर सोकर उठने उठने के के बाद बाद जो जो दुआ दुआ पढ़ी पढ़ी जाती जाती है है उसके उसके बारे बारे में में बताऊंगा। बताऊंगा। सुबह सुबह को को सोकर सोकर उठने उठने के के बाद बाद दुआ दुआ को को किस किस तरह तरह से से पढ़नी पढ़नी है है इस इस बारे बारे में में जानने जानने के के लिए लिए आखिर आखिर तक तक मेरे मेरे साथ साथ बने बने रहिए। रहिए। और और चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लेना लेना और और बराबर बराबर वाले वाले घंटे घंटे के के बटन बटन को को भी भी जरूर जरूर दबा दबा देना। देना। प्यारे प्यारे दोस्तों, दोस्तों, सोकर सोकर उठने उठने के के बाद बाद ये ये दुआ दुआ पढ़नी पढ़नी चाहिए। चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वइलैहिन्नुशूर। दुआ को एक बार और सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वइलैहिन्नुशूर। तो दोस्तों, ये छोटी सी दुआ है, आप इसको याद कर लीजिए। और आप जब सुबह को सोकर उठो तो सबसे पहले इस दुआ को पढ़ा करो। दुआ मैंने आप सभी को बता दी है, बहुत ही छोटी सी है और बहुत ही आसान दुआ है। और इससे पहले मैंने आप सभी को सोने की दुआ बताई थी और आज मैंने आप सभी को सोकर उठने की दुआ बता दी है। तो आप इन दोनों दुआओं को याद करें और पढ़ते रहा करें और फायदा करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना ताकि हर एक शख्स फायदा उठा सके।